कोई आदित्य क्या कर रहे हैं? बस जो भी कर रहा हूँ आपकी फिल्म की तरह चल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ यार, मुझको आती नहीं, सबके झाटे नहीं जाती नहीं। वैसे तूने मेरी हीरोपंती 2 देखी या नहीं? नहीं देखी, क्यों? अगर वो देखा होता तो ये ओम मूवी साइन नहीं किया होता। फिर पगले मजाक कर रहा हूँ। और सुन, मैं सुना तू ये ओम मूवी में देश बचा रहा है। हाँ बचा रहा हूँ। तो फिर ऑडियंस को कौन बचाएगा? मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं भी अपने फिल्मों में देश बचाता था। फिर अब करियर बचाने का टाइम आ गया। चला जा, तुझे टाइगर बिस्किट में पेट्रोल डाल के खिलाता हूँ। इस दिशा से चलते। चल चल, तेरा समझ रहा हूँ सब में। तो गाइस एंड बेसेस, मैं सूरज कुमार और मैं देख कर आ रहा हूँ ओम मूवी स्टारिंग पतंजलि ओल्ड मॉन्क कमचना सांगे प्रोड्यूस बाय अहमद खान। बाप रे बाप, इतना सारा सस्पेंस गाइस, इतना सारा सस्पेंस कि अगर ये क्रिस्टोफर नोलन देख लेना तो वो भी चिंचपोकली में 12-20 रुपए का पर्स बेचने लग जाए, मोबाइल कवर बेचने लग जाए। भाई साहब क्या बोलूं मैं, ये वही आदित्य रॉय कपूर है जो आशिकी 2 में डेब्यू किया था। कसम से बता रहा हूँ, जब वो आशिकी 2 आई थी ना, मैं स्कूल में था लेकिन फिर भी मैं थिएटर गया था ये फिल्म देखने। मैं इतना रोया था थिएटर में, इतना रोया था कि मानो पैंट की चेन में नुनू फंस गया, इतना रोया था। एंड भाई साहब ये क्या एक्टर है, जिस हिसाब से इसने आशिकी 2 में परफॉर्म किया था। एंड देखो यार, श्रद्धा कपूर के पीछे ये पागल हो गया, फिर दारू पीने लग गया। अरे ठीक है यार, वो श्रद्धा कपूर है तो दारू पीना बनता भी, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं कि जिसके लिए हम ताड़ी पिए। बट ठीक है यार, किसी का रहना हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी नहीं होती यार, हम तो वो परिंदे हैं जो अकेलेपन को जिंदगी मान बैठे हैं यार। #मुट्ठल सूरज सॉरी। लेकिन देखो मैं ये क्यों आपको रेफर करा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। आशिकी 2 के क्लाइमेक्स में आपने देखा रहेगा आदित्य रॉय कपूर कैसा वो ब्रिज पे चढ़ते हैं एंड कलंक मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ के वो सुसाइड करने जाते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही मेरा हाल हुआ जब मैं ये ओम मूवी देखा। अरे भाई साहब ये क्या है, अचानक से एक्शन, अचानक से सस्पेंस, अचानक से आइटम नंबर, अचानक से कॉमेडी। अरे अचानक से आप कैमरा बंद कर दिए होते ना, 5-स्टार मूवी बनती थी, 5-स्टार। भाई साहब दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज मिरेकल। भाई साहब मेरे को बहुत बुरा लग रहा है आदित्य रॉय कपूर के लिए, वो इसने इतना मेहनत करके बॉडी बनाया और इन लोग ने अचार बना दिया। अरे यार इतनी बॉडी उसकी पूरी वेस्ट हो गई इस फिल्म में। अगर यही बॉडी से, यही ताकत से वो अंधेरे सबवे के नीचे गाड़ी धक्का देता ना जो आज पानियों में फंसी है, तो ये पुण्य कमाता था। लेकिन ये फिल्म घंटा बॉक्स ऑफिस में नहीं कमाएगी, घंटा नहीं कमाएगी। एंड इनके मेकर्स को कॉन्फिडेंस देखो यार। एक तो सबसे पहली मिस्टेक बॉलीवुड वालों की ये है कि ये लोगों के ना हर कमर्शियल मूवी में हीरो की 6-8 पैक्स रहने चाहिए, वो भी छाती तक। अरे छाती तक क्यों बनाते हो भाई, माथे तक बनवा लो, 88 पैक्स बनवा लो। एंड फिर बाद में क्लाइमेक्स आया तो भाई साहब उसके फड़वाओ, उसके बॉडी दिखाओ। अरे यार तब तक तो आपकी स्क्रिप्ट फट जाती है। एंड ये सारा माहौल देख के तो प्रोड्यूसरों की गांड फट जाती है कि तुम क्या बना रहे हो। एंड फिर वही प्रोड्यूसर हीरो को बोलते कि तुमने बॉडी दिखा लिया फिल्म में, अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, बोले स्माइल। ये हाल हो जाता है। तो आइए मैं अब मेरा खेल शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करूंगा मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। जहां जहां सस्पेंस आ रहा है, जहां जहां आदित्य रॉय कपूर अचानक में एंट्री ले रहा है, एंड आदित्य रॉय कपूर भी देखो कैसा एंट्री ले रहा है। अरे भाई तुम क्यों आ रहे भाई, दूर है दूर है, क्यों आ रहे तू, अचानक से आ जा रहे भाई तू, और अचानक से फाइटिंग हो रही है, अचानक से सस्पेंस दिखा रहे, और इतना सारा सस्पेंस, इनको लगता है कि बहुत अच्छा सस्पेंस है। भाई साहब कच्चा सस्पेंस है, इट वाज लाइक टू मेनी फूड स्पॉइल द कुक, ऐसा हाल हो गया था। सस्पेंस हो या आदित्य रॉय कपूर की एंट्री हो, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो। अरे चोको चल रहा है क्या, क्या है ये भाई साहब, कितनी बेकार रह गए यार। ये लोग के पास एक म्यूजिशियन नहीं है, एक कंपोजर नहीं है जो ढंग का बैकग्राउंड म्यूजिक निकाले एंड जो एक सीन को ना वो पावर दे कि भाई साहब यहाँ एक्शन चल रही है लेकिन बैकग्राउंड स्कोर ना ताकत दे, क्या घंटा ताकत है। अब देखो एक्शन सीन के बीच में कैमरा कैसे चल रहा है, वो जहां जहां आदित्य रॉय कपूर हाथ घुमाएगा कैमरा भी, अरे ये कैमरा उखाड़ो और डाल दो कबाड़ी में, क्या कर रहे हो तुम लोग। अरे कहीं तो स्टेबल हो जाओ, कहीं तो रुको, क्या हमें एक्शन तो समझ में आए, एक्शन तो समझे, दिमाग खराब हो गया था एकदम, दिमाग खराब हो गया था। एंड VFX, दैट वॉज नॉट अ VFX, दैट वॉज नॉट एट ऑल अ VFX। चाकू मार रहे, खून निकल रहा, खून गायब हो जा रहा है। भाई वो चाकू मार रहे हो या तुम क्या मार रहे हो यार, मेरे को तो वही नहीं समझा। इट वॉज नॉट अ VFX, इट वॉज धनंजय ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम टट्टी खाना, वहां से कराए रहेंगे ये लोग ने। वो तो इतना गंदा लग रहा था, इट वॉज फीलिंग लाइक शेमफुल यार, वो क्या लग रहा था यार, क्या लग रहा था, मजाक है ये। इसी के बीच में अचानक से ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, एंड कॉमेडी करके हंस कौन रहे, यही लोग, ऑडियंस को इनसे लेना ही देना नहीं। उसके बाद बीच में ना अचानक से ना आइटम नंबर आ जाता है, और पता नहीं ये क्या सेंस था वो आइटम नंबर का।
काला सा काला आंखों में सुरमा डाला, काला सा काला, अरे काला काला, इधर सकला का बुम बुम के चक्कर में ना तमराज किलविश हो गई ऑडियंस, वो देखो क्या हाल हो रहा है यार। तुम क्या कर रहे, तुम आके चालू हो जा रहे अपना और खत्म हो जा रहे, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई साहब, हालत खराब हो गई थी। एंड एक और चीज, संजना सांगे भले देखो यार शी इज अ गुड एक्ट्रेस, बट क्या करूं मैं यार, इस फिल्म में ना कतई सूट करी ना कुछ नहीं, द वे शी वॉज गिविंग हर परफॉर्मेंस, ये देखो ऐसा, ओम को ओम नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे बे, हाँ ओम ओम नहीं बोलोगे क्या बोलोगे बे, ओम हाँ नहीं जाना, ओम तुमको नहीं पता, अरे ओम ओम को तुम कुछ भी बोलो, ओम को घंटा नहीं समझ रहा है तभी वो ये फिल्म कर रहे हैं, लेकिन आपको तो कुछ समझ रहा है ना। एंड देखो यार संजना का ना मैं एक बेस्ट चीज़ बोल सकता हूँ, संजना सांगी के डायलॉग सारे अच्छे होते थे अगर वो डायलॉग्स म्यूट पे होते थे, सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो उल्लू हो गए, देखो कैमरा सूंघ रही है, ऐसा लग रहा है कैमरा सूंघ रही है, डिस्गस्टिंग मैन डिस्गस्टिंग, मेरा सिर पकड़ लिया एक टाइम पे, सेकंड हाफ में तो मैं डेड हो गया। अब मैं बात करूंगा इस फिल्म के बेस्ट पार्ट की, वो है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में तो मानो आप सब हार जाओगे, सबका सब। अब देखो क्या होता है क्लाइमेक्स में, क्लाइमेक्स में गुंडे लोग आदित्य रॉय कपूर को पीट के एकदम पेल देते, तो वो एकदम लेटा रहते जमीन पे, फिर संजना वहां से चिल्लाती, ये सारा सीन ना आपको भोजपुरी फिल्म की याद दिला देगी। भोजपुरी फिल्म में होता है ना जहां पे हीरो को गुंडे लोग मार देते, फिर हीरो के साइड वाले जो कुछ लोग रहते वो बोलते ना बबुआ बबुआ उठा तो है भाभी के घाघरा का कसम, उठ जो माइक लाल और पेल देने के, सेम इधर पे भी संजना कुछ ऐसे ही बोलते, आदित्य पकड़ा गया, आदित्य जिंदा आदमी खड़े उठा के ऐसा चलता है, ए भाई कबूतर पकड़ा है क्या, और वो इतना एम्बेरसिंग लग रहा, पूरा क्लाइमेक्स ही एम्बेरसिंग लग रहा था पूरा का पूरा। एंड उसके बाद सबसे फेवरेट सीन भाई साहब, वो हेलीकॉप्टर को चैन से ऐसे खींच रहे यो करके एंड उसको रोक दे रहे, वो हेलीकॉप्टर भी सोचता रहेगा भाई साहब मैं हेलीकॉप्टर हूँ भौरानी एंड ये ऑडियंस है लौड़ानी, अबे तू क्या कर रहे है भाई साहब क्या कर रहे है, ये तो मतलब हदे पार कर दी। उसके बाद आदित्य रॉय कपूर डायलॉग भी बोलते जो कि पूरे पिक्चर में एक ही डायलॉग है, वो ये है ऐसा मुंडी टेढ़ा करके, रक्त रहे या ना रहे राष्ट्र हमेशा रहेगा, नहीं नहीं वो डायलॉग ऐसा रहना चाहिए था, फिल्म में कंटेंट रहे या ना रहे चूतियागिरी हमेशा रहेगा, तो पब्लिक 5 स्टार देती थी भाई साहब। ये मैं क्या बोलूँ यार, इट्स सच अ टिपिकल एम्बेरसिंग फिल्म कि आप उठ जाओगे, आप बोलोगे नहीं भाई हमको इतना सस्पेंस देखना ही नहीं है। ये फिल्म का पैटर्न ही पूरा वही है जो निकम्मा में था, हीरोपंती 2 में था, सत्यमेव जयते 2 में था, सेम पैटर्न एंड वही आज तक फॉलो कर रहे जो कि एकदम शेमफुल वाली चीज है भाई साहब। मैं तो वापस जाके रॉकेटरी देख लूँ यार, मैं फैमिली के साथ जाऊंगा, लेकिन ये क्या है। सो ओवरऑल द बेस्ट थिंग अबाउट द ओम मूवी इज नथिंग, कुछ भी नहीं भाई, ना गाने ढंग के, ना डायलॉग ढंग के, ना आपके कंटेंट या स्क्रिप्ट कुछ दमदार है कि यार जिसको देख के मजा आए, एंड इतने सारे सस्पेंस की भी जरूरत नहीं थी भाई साहब, आपने पूरा खिचड़ी कर दिया कि सिर पकड़ लिया ऑडियंस का, सिर पकड़ लिया कि भाई साहब बस बस भाई आप उधर मत मारो हमको मार दो चाहिए तो चले गए यार, लेकिन प्लीज बस करो। मैं इस फिल्म को दूंगा 0 नहीं, वो भी आधा 0 दूंगा, आधा 0 भाई साहब, आधा 0, उसके अंदर बैठ के तैरो भाई साहब, मैं पगला जाऊंगा यार, इतनी फिल्में देखते आ रहा हूँ, लेकिन ये लोग ना दिन ब दिन एक डोज दे रहे कि मैं मरी जाऊँ ऐसा। एंड अगर आप लोग मेरे को जिंदा बचा सकते हो, जिंदा रख सकते हो या दान कर सकते हो ना, नहीं पैसा नहीं मांग रहा भाई, नहीं मांग रहा मैं, बस आप सब्सक्राइब कर दो, मेरे को सपोर्ट करो यार भाई साहब, मैं पगला जाऊँगा ऐसे ऐसे चीज़ देखूंगा तो पगला जाऊँगा। एक चीज़ अच्छा रही इस फिल्म को तो मैं आपको प्राउडली बता सकूँ कि ये चीज़ अच्छा है, बॉडी का भी मैं क्या करूँ भाई, क्या करो पंखा उगतू उखड़वाऊ मैं अपना, क्या करूँ यार, बॉडी बनाने से फिल्म बन जाती ना, तो आज एक्टिंग क्लास में ताला लग गया होता था। चलो मिलते अगले वीडियो में, टिल द गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल। अगर आप लोग से कुछ भी शिकायत हो या कुछ भी बातें करनी रहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं रील्स डाल रहा हूँ अच्छे अच्छे, एंड वहाँ पर मैं ये मूवी के बिहाइंड द सीन्स भी डाला हूँ, मैंने कुछ कुछ जो थिएटर के एक्सपीरियंस है वो भी डाला, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, टिल द गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल। सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो वो प्लीज़ कर दो यार, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो यार। मिलते अगले वीडियो में, बाय।